6.5 इंच का आईपीएस पैनल विथ 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, थिन बेजल्स, छोटी सी नॉच, ब्यूटीफुल ब्लू रेड कलर्स, शाइनी बैक और फिर भी पावरफुल किरिन 710 प्रोसेसर, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑनर 8X के बारे में। इंडिया में लॉन्च होने वाला है अक्टूबर 16th को। इसका मतलब ज्यादा दिन नहीं है, कुछ 10-12 दिन है, लेकिन हो गया है लॉन्च ग्लोबली। दुबई और स्पेन में लॉन्च हो गया है और सब डिटेल्स हमारे पास आ गए हैं। दोस्तों, ऑनर हैज बीन लॉन्चिंग सम ग्रेट फोन्स। इनफैक्ट एक 2 साल पहले जब सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया था ऑनर 6X, पहली बार डुअल कैमरास लेके आए थे। उसके बाद में ऑनर 7X लेके आ गए, उसमें उन्होंने लाया फुल व्यू डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेशियो, जो नया था उस टाइम। बहुत ज्यादा फोन्स 16:9 एस्पेक्ट रेशियो पे आते थे, लेकिन ऑनर 7X आया 18:9 एस्पेक्ट रेशियो, फुल व्यू डिस्प्ले, दिखने को भी बहुत अच्छा। और अब ऑनर 8X जो है दोस्तों, उसके ऊपर है, जैसे मैंने कहा, ग्रेट स्पेसिफिकेशन। इसमें सबसे बड़ी बात है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कैमरा। इनफैक्ट दोस्तों, इसमें नाइट मोड नाम की एक चीज है, आपके हाथ स्टिल होने चाहिए, आप दबा के रख सकते हो, एक रात को पिच ब्लैक में भी आप फोटो निकाल सकते हो और आपको कलर्स दिखेंगे। इनफैक्ट दे आर कंपेरेबल विथ सम ऑफ द फ्लैगशिप फोन्स, सोचिए। इतना ही नहीं दोस्तों, सुपर स्लो मोशन जो होता है फ्लैगशिप लेवल फोन्स में होता है, लेकिन Honor 8X में 480 FPS जो OnePlus 6 में आपको मिलता है, वो Honor 8X में भी मिलता है। तो आप अगर गेमर हो तो किरिन 710 तो अच्छा है ही, साथ में GPU टर्बो भी है, सो फॉर इवन हैवी गेमिंग 8X विल बी ग्रेट। बैटरी भी अच्छी है दोस्तों, 3750 मिली एम्पियर आर की बैटरी है, जो आपको दिन भर जाएगी मॉडरेट यूसेज में। लेकिन फास्ट चार्जिंग देना चाहिए था, फास्ट चार्जिंग नहीं है, 10 वॉट चार्जर आता है ऑनर 8X में। कैमरा सेटअप की बात करते हैं दोस्तों, तो पीछे की तरफ आते हैं, डुअल कैमरा 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। ये 2 मेगापिक्सल का जो ट्रेंड चालू किया था वो ऑनर नहीं किया था। जी हाँ, 13+2, 16+2, अब 20+2, और जो फ्रंट कैमरा है 8X का वो है 16 मेगापिक्सल। बट जितने भी मैंने सैंपल्स वगैरह देखे हैं, उस हिसाब से मुझे तो अभी ऐसे लगता है कि इट हैज अ गुड कैमरा। फाइनली स्पेसिफिकेशंस वगैरह तो ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस क्या है? जी हाँ, 999 AED दुबई में है इसकी प्राइस। अगर आप कन्वर्ट करते हो तो उसकी प्राइस हो जाएगी कुछ 19,520। लेकिन रूमर्स ऐसे हैं कि इंडिया में ये लॉन्च होगा कुछ 15,999 जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB का। एंड इफ 16,000 को आता है तो सोचिए किन दूसरे पीयर्स या फिर उनके जो दोस्त हैं अलग अलग ब्रांड्स, कौन से लोगों के साथ होगा। नोकिया 6.1 प्लस, रियलमी 2 प्रो, मोटोरोला 1 पावर, बहुत सारे हैं इसी रेंज में। इनफैक्ट 16,000 को ही है एंड दे हैव ग्रेट स्पेसिफिकेशन। किसी किसी में SD660 प्रोसेसर है, किसी में 8GB रैम है, 6GB रैम है, बड़ी स्क्रीन है, सब कुछ है। तो ये जो 15 से 17 हजार की जो रेंज है दोस्तों, उसमें ऐसे 4-5 फोन्स हैं जो सही में बहुत अच्छे हैं, अच्छे ब्रांड्स के हैं, अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं, अच्छा कैमरा भी है। तो ये जो अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव स्पेस है, इसमें आने वाला है ऑनर 8X। आप जरूर बताइए आपको क्या लगता है। लेकिन अगर मुझे आप पूछते हो कि मुझे क्या लगता है, तो डेफिनेटली दोस्तों, इट लुक्स गुड, इट हैज गुड स्पेसिफिकेशन, इट हैज गॉट गुड डिस्प्ले, गुड कैमरा। ओवरऑल मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ गुड डील इन दैट पर्टिकुलर प्राइस रेंज। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, ऑनर 8X जो है वो 2 वेरिएंट्स में आता है, दोनों भी 4GB है, 64GB स्टोरेज एंड 128GB स्टोरेज। जब इंडिया में आएगा तो मुझे पता नहीं, शायद ऐसा कहा जा रहा है कि 6GB प्लस 128GB वेरिएंट भी आएगा। देखते हैं, जब आएगा तब जरूर बोलेंगे, रिव्यू तो हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों, आपको अगर कोई भी सवाल है ऑनर 8X के बारे में तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, आप नए हो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसे जबरदस्त ओपिनियन, अनबॉक्सिंग, टेक न्यूज, रिव्यू वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।